आज हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट की चर्चा करेंगे, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट पर जाने से पहले हम लोग कोड ऑफ एथिक्स के बारे में एक बार रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स को अच्छी तरह समझे बिना कोड ऑफ कंडक्ट को समझा नहीं जा सकता। जैसा कि हमने बताया भी है कि कोड ऑफ एथिक्स नैतिक नियमों का एक समुच्चय होता है जो लोक सेवकों या लोक सेवा में कार्य करने वाले सदस्यों के कार्य व्यवहार और उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करते हैं। अर्थात जो कोड ऑफ एथिक्स होता है वो विस्तृत नियमों का, विस्तृत विचारधारा का एक समूह होता है, एक समुच्चय होता है, और उन समुच्चय के आधार पर, उन विचारधाराओं के आधार पर, उन नीतियों के आधार पर हमें कोड ऑफ कंडक्ट तय करना पड़ता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? जैसे कोड ऑफ एथिक्स की जब हम लोग बात करते थे तो उसमें हमने ये तय कर लिया कि सभी लोक सेवकों को पूरी ईमानदारी और नैतिकता से काम करना है, सभी लोक सेवकों को धर्म निरपेक्ष होकर काम करना है, सभी लोक सेवकों को सत्य निष्ठा से काम करना है। ये एक विस्तृत विचारधारा है। अब इस विचारधारा का पालन करने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे नियम बनाने पड़ेंगे, कुछ तौर तरीके तय करने पड़ेंगे, जिससे कि प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों और लोक सेवकों में अनुशासन को बनाए रखा जा सके, डिसिप्लिन को मेंटेन रखा जा सके, वो अपने दायित्वों का ठीक ढंग से पालन कर सके, दे फुलफिल देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रॉपर मैनर। इसके अलावा वे अपने शक्तियों का दुरुपयोग ना करें, दे डोंट मिसयूज देयर पावर्स। तो शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, दायित्वों का पालन करने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए और वैधानिक रूप से कार्यों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए जो छोटे छोटे नियम सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, जो छोटी छोटी नियमावली सर्कुलर्स सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, वे ही कोड ऑफ कंडक्ट कहलाते हैं। यानी कि आचरण संहिता, यानी कि एक लोक सेवक लोक सेवा में कार्य करते हुए किस तरह का आचरण करेंगे, उनका कंडक्ट कैसा होगा, वो किस तरह का व्यवहार करेंगे, किस तरह से वो नीतियों के क्रियान्वयन के दौरान गतिविधियों को अपनाएंगे, इसे हम कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत रखते हैं। इस विचारधारा को लेकर के प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक विस्तृत अवधारणा भी प्रस्तुत की थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो कि 1966 में जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कहा भी था कि प्रशासन द्वारा उत्तम नीति से काम करना, प्रशासन द्वारा उत्तम नीति से कार्य करना केवल इस बात पर निर्भर नहीं है, प्रशासन द्वारा उत्तम नीति से कार्य करना केवल इस बात पर निर्भर नहीं है कि इसके कर्मचारी बहुत योग्य हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, वे इस बात पर भी निर्भर करता है कि उनका आचरण किस तरह का है, उनका वैयक्तिक आचरण किस तरह का है। वैयक्तिक आचरण को उच्च स्तर पर बनाए रखना भी प्रशासन की एक जिम्मेदारी है। तो केवल योग्यता या केवल आईक्यू लेवल ही अच्छे प्रशासन का संकेतक नहीं होता है, इसके साथ साथ जो लोक सेवक काम कर रहे हैं उनका उच्च स्तरीय आचरण भी प्रशासन की सफलता का एक आधार बनता है। इसीलिए लोक सेवकों को अपने कर्तव्यों के पालन के दौरान पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से काम करना जरूरी होता है, पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से काम करना जरूरी होता है, और ऐसा करने के लिए जो चीज उन्हें गाइड करेगी, जो उन्हें मजबूर करेगी, जो उन्हें निर्देशित करेगी, वो होगा कोड ऑफ कंडक्ट। क्योंकि लोक प्रशासन की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि लोक सेवक जनता में कितना विश्वास हासिल करते हैं।
क्योंकि लोक सेवकों का विश्वास ही अल्टीमेटली पूरे प्रशासनिक व्यवस्था के विश्वास का आधार बन जाता है, शासन व्यवस्था का आधार बन जाता है। जो नीतियां तय की जाती हैं उन नीतियों के प्रति जनता का विश्वास कायम होता है, इसीलिए कोड ऑफ कंडक्ट के माध्यम से, इसीलिए आचरण संहिता के माध्यम से हम उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों को नियंत्रित और नियमित करने का प्रयास करते हैं। और एक बात देखते हैं कि क्या हमारे देश में ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाने का प्रयास किया गया है। तो अगर हम देखें तो संविधान में भी इसका जिक्र है। अगर आर्टिकल 309 में देखेंगे तो वहां पर इस बात का जिक्र किया गया है कि लोक सेवकों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करें और अपनी कार्य कुशलता को प्रदर्शित करें, जनता में विश्वास हासिल करें, इसके लिए एक निश्चित कोड ऑफ कंडक्ट का होना जरूरी है। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग तरह का हो सकता है, क्योंकि ये कार्य की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जिस विभाग का की कार्य प्रकृति जिस तरह की होगी, कोड ऑफ कंडक्ट भी उसी तरह का रखना होगा। जैसे तीन बड़ी हमारे पास सेवाएं हैं, एक अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विस, दूसरा केंद्रीय सेवा सेंट्रल सर्विस और तीसरी रेल सेवा रेल सर्विसेज। इन तीनों के लिए अलग अलग समय में कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं। जैसे अखिल भारतीय सेवा के लिए 1951 और 1954 में, केंद्रीय सेवाओं के लिए 1955 में और रेल सेवाओं के लिए 1956 में कोड ऑफ कंडक्ट तय किए गए हैं। और इसके अलावा जब संथानम कमेटी का गठन 1962 में किया गया और उसके बाद 1964 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, तो उस दौरान भी, उस रिपोर्ट में भी उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को विस्तृत रूप से परिभाषित किया और बहुत सारे ऐसे तौर तरीके नियम तय किए कि एक लोक सेवक को काम करते हुए इन तौर तरीकों, इन प्रक्रियाओं और इन व्यवहारों का अनुसरण करना चाहिए। इन सब बातों को अगर एक कंक्लूजन के रूप में, एक निष्कर्ष के रूप में लें तो कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत कुछ प्रमुख नियम जो निकल कर सामने आते हैं, जो आसानी से समझे भी जा सकते हैं और हम लोग व्यवहार में इसे देखते भी हैं, वो इस प्रकार है। जैसे नंबर एक, प्रत्येक लोक सेवक को अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा, सच्चरित्रता और ईमानदारी से करना चाहिए। प्रत्येक लोक सेवक को अपने कर्तव्यों का पालन, जो उनकी ड्यूटी है, उसको पूरी इंटेग्रिटी के साथ, गुड कैरेक्टर के साथ और पूरी ईमानदारी यानी ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए। फिर दूसरी बात, इसी कोड ऑफ कंडक्ट में एक दूसरा पॉइंट आता है कि जितने भी लोक सेवक हैं, जो लोक सेवा में काम कर रहे हैं, उनको किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेना है। उन्हें किसी भी प्रकार का चंदा, किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी प्रकार का कोई डोनेशन या चंदा नहीं देना है। किसी भी दल की सदस्यता उन्हें ग्रहण नहीं करनी है। किसी भी राजनीतिक दल की वो मेंबरशिप नहीं ले सकते और ना ही किसी भी राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगर कोई लोक सेवक किसी राजनीतिक दल के साथ कोई संबद्धता रखते हैं, कोई सदस्यता रखते हैं, चंदा देते हैं उसके बढ़ावा देने के लिए, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होगा और उस लोक सेवक के खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है। इसके अलावा एक तीसरा बिंदु आता है कि लोक सेवक का काम है लोक नीतियों को, जो सरकार द्वारा तय की गई नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो योजनाएं हैं, उन्हें पूरी निष्पक्षता के साथ क्रियान्वित करना। तो यहां पर भी कोड ऑफ कंडक्ट की बात आती है कि लोक सेवक किसी भी सरकारी कार्यक्रम या नीतियों का सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक लोक सेवक ही सार्वजनिक नीतियों की आलोचना करेंगे तो इससे जनता में सरकार की नीतियों के प्रति गलत संवाद जाएगा, गलत मैसेज जाएगा और नीतियों के क्रियान्वयन में समस्या उत्पन्न होगी। इसी तरह से यह भी बात कही गई है कि कोई भी लोक सेवक एक निर्धारित सीमा से अधिक का न तो भेंट और न ही उपहार स्वीकार कर सकते हैं, और अगर कोई भेंट या उपहार स्वीकार करते भी हैं तो इसकी सूचना जो प्रशासनिक व्यवस्था यानी उच्च अधिकारियों या विभाग को देनी होती है।
इससे भी भ्रष्टाचार और रिश्वत की जो प्रणाली है उस पर रोक लगाने में मदद मिलती है। आचार संहिता के अंतर्गत ये भी बात है कि प्रत्येक लोक सेवक को प्रत्येक वर्ष अपने मूवेबल और इमूवेबल यानी चल और अचल संपत्ति का एक विवरण देना होता है, एक ब्यौरा देना होता है, जिससे कि ये पता हो कि जो लोक सेवक हैं उनकी जो आमदनी है वो जो वेतन आधारित आमदनी है वही है, इसके अलावा वो किसी प्रकार की अन्य कोई आमदनी नहीं कर रहे हैं या कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। कोई भी लोक सेवक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई व्यापार, निजी व्यापार नहीं कर सकते। कोई भी लोक सेवक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई निजी व्यापार नहीं कर सकते। हाँ, कोई साहित्यिक, कलात्मक या कोई अवैतनिक रूप से कोई पूर्व स्वीकृत अगर कार्य है तो उसे कर सकते हैं, पूर्व स्वीकृत कार्य को कर सकते हैं। कोई भी लोक सेवक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई निजी व्यापार नहीं कर सकते। हाँ, केवल इतनी छूट है कि कोई साहित्यिक, कोई कलात्मक, कोई उनके अंदर कोई कला है, कोई उनकी विशेषता है जो समाज के लिए बेनिफिशियल है, अगर सरकार प्रशासन को स्वीकृति देती है तो इसके लिए भी वो काम कर सकते हैं। लोक सेवक या उनके परिवार के अन्य सदस्य किसी भी प्रकार की कोई सट्टेबाजी नहीं कर सकते, कोई बेटिंग नहीं कर सकते, यानी कोई सट्टा नहीं लगा सकते या उससे आमदनी करने का प्रयास भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी समाज पर नकारात्मक असर डालता है। अगर नियुक्ति का मामला होता है, अगर लोक सेवा में कोई नियुक्ति हो रही हो या कोई इस तरह की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा हो, तो उस दौरान भी ये देखना होता है कि कोई भी लोक सेवक उस भर्ती प्रणाली में अपने निकट संबंधियों को उसमें कोई लाभ पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अगर किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी के निकट संबंधी किसी भर्ती प्रणाली में शामिल हो रहे हों और वो उस प्रक्रिया में अगर भागीदारी उस लोक सेवक की है और इस बात की जानकारी जब मिलती है तो उन्हें उस प्रक्रिया से अलग रखा जाता है। इसके अलावा पंथ निरपेक्ष आचरण करना, सेकुलर बिहेवियर करना, सभी धर्म जाति के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के तटस्थ और निष्पक्ष रहकर काम करना, ये बहुत महत्वपूर्ण एक आचरण संहिता है। इनके अलावा कोई भी लोक सेवक बिना सरकार की पूर्व स्वीकृति के पत्नी की मृत्यु या तलाक इत्यादि घटनाओं के बाद भी बिना सरकार की स्वीकृति की दूसरा विवाह भी नहीं कर सकते। ऐसे तमाम कोड ऑफ कंडक्ट लोक सेवाओं में उल्लेख किए गए हैं और इन सब का उद्देश्य यही है जो कि हमने शुरू में ही बताया है कि इन सब का उद्देश्य क्या है। इन सब का उद्देश्य है कि लोक सेवक तटस्थ होकर काम करें, निष्पक्ष होकर काम करें और राजनीतिक रहकर काम करें, धर्म निरपेक्ष रहकर काम करें, ईमानदार रहकर काम करें, पूरी कार्य कुशलता से काम करें, समय पर कार्य को पूरा करने की कोशिश करें और इस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट लोक सेवकों को लोक सेवा का जो उद्देश्य है उसे पूरा करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, एक तरह से उनको नियंत्रित और नियमित करने के रूप में काम करता है। कोड ऑफ कंडक्ट ये बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी को इस तरह से डिफाइन किया गया है संक्षेप में, कोड ऑफ कंडक्ट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि गाइडलाइंस का एक सेट है। गाइडलाइंस मतलब आपको काम क्या करना है और क्या नहीं करना है। कोड ऑफ कंडक्ट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज एक्शंस, जो कि एम्प्लॉय यानी कर्मचारियों की गतिविधियों को यानी कि क्रियाओं को प्रभावित करता है। कोड ऑफ कंडक्ट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉयज एक्शंस। तो इस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट के माध्यम से हम लोक सेवकों को प्रजातांत्रिक जो हमारी व्यवस्था है उसमें तटस्थ और निष्पक्ष रहकर काम करने के लिए उनको हम एक मौका देते हैं, एक माहौल देते हैं। अगर वो अपने मार्ग से विचलित होते हैं तो उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट के माध्यम से कई फायदे हमारे प्रशासन को मिलते हैं, कई तरह के लाभ मिलते हैं। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट में व्यवस्था की गई है कि कर्मचारियों को समय पर आना चाहिए या लोक सेवकों को समय पर आना चाहिए, तो समय पर अगर वो कार्यालय जाएंगे तो अनुशासन बना रहेगा, कार्य को समय पर प्रारंभ कर सकेंगे, कार्य को समय पर पूरा कर सकेंगे, तो
समय का पालन ये भी एक अनुशासन का बहुत बड़ा हिस्सा है और कोड ऑफ कंडक्ट का भी ये हिस्सा है। जैसे हमने देखा कि आचरण संहिता के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक दल में कोई भागीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीतिक दल में अगर वो भागीदारी करेंगे तो राजनीतिक कार्यपालिका तो बदलती रहती है। आज किसी और राजनीतिक दल की सत्ता है, कल किसी और राजनीतिक दल की सत्ता होगी, तो वो तटस्थ और निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नियम बना दिया गया कि राजनीतिक दलों से निष्पक्ष रहकर एक लोक सेवक को काम करना है, ना तो उन्हें कोई चंदा देने में या चंदा लेने में यानी डोनेशन देने या लेने में भागीदारी करना चाहिए, ना ही किसी राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार करना चाहिए, और इस तरह से वो तटस्थ और निष्पक्ष रह पाएंगे। ये भी आपने देखा कि एक लोक सेवक को अगर कोई छोटा मोटा उपहार भी लेता है तो भी उसे अपने डिपार्टमेंट अपने विभाग को उसे सूचित करना होता है, और इसका मुख्य मकसद यह है कि रिश्वतखोरी की जो प्रणाली है या भ्रष्टाचार का जो प्रभाव है उसे कम किया जा सके। संपत्ति का ब्यौरा देना ये भी कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा है और इस तरह से भी भ्रष्टाचार में कमी लाई जा सकती है। तो ये सारी जो बातें हमने यहाँ पर बताई, ये कहीं ना कहीं ये जो अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विसेज हैं या सेंट्रल सर्विसेज हैं या रेल सर्विसेज हैं या बैंकिंग सर्विसेज हैं या इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, स्टेट राज्य सरकार की सेवाएं, ये सभी जगह पाई जाती हैं। ऐसा नहीं, हाँ थोड़े बहुत अंतर होंगे। बैंकिंग सेवा के कोड ऑफ कंडक्ट अलग होंगे, बीमा इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट थोड़े अलग होंगे, अखिल भारतीय सेवा के कोड ऑफ कंडक्ट थोड़े अलग होंगे, रेलवे सर्विसेज के कोड ऑफ कंडक्ट अलग होंगे। ये कोड ऑफ कंडक्ट में जो डिफरेंस है ये वर्क नेचर के कारण होता है, जॉब नेचर के कारण होता है। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है ये थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, यानी थोड़ा विशिष्ट हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है, और कोड ऑफ एथिक्स जो होता है ये सामान्य होता है, एक जनरल व्यू होता है। यानी कोड ऑफ कंडक्ट में ये बता देते हैं कि भाई आपको ये पर्टिकुलर काम करना है, आपको ये काम इस तरीके से करना है, जबकि कोड ऑफ एथिक्स एक विस्तृत नियमावली है, एक सामान्य स्वरूप है जिसके अंतर्गत कोड ऑफ कंडक्ट के तहत काम करना होता है। जैसे एक सरल उदाहरण से देखें, क्योंकि चुनाव के दौरान बार-बार आप लोग सुनते रहते होंगे कि एक कैंडिडेट है, उम्मीदवार है किसी राजनीतिक दल के, उन्हें आदर्श आचरण संहिता का पालन करना होता है। ये शब्द बहुत आता है इलेक्शन के टाइम में, आदर्श आचरण संहिता। अब देखिए, जब चुनाव आयोग बहुत सी बातों को एक निर्देश जारी कर देता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे एक आदर्श आचरण संहिता चुनाव के दौरान कि आप दीवारों पर नहीं लिखवाएंगे, आदर्श आचरण संहिता हो गई। उन्होंने एक नियम बना दिया कि चुनाव के यानी जिस दिन चुनाव होना है उससे कितनी देर पहले तक आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, कितनी देर पहले तक आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं और उसके बाद आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, कितनी देर पहले तक आप सभा का आयोजन कर सकते हैं और कितनी देर के बाद आप सभा का आयोजन नहीं कर सकते, चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले आपको किस तरह की गतिविधियों को करना है, किस तरह की एक्टिविटीज करना है। जब आप भाषण दे रहे होते हैं, जब कोई राजनीतिक दल अपना प्रचार करने के लिए लोगों के बीच जा रहे होते हैं और अगर उन्होंने जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर या इस तरह से किसी आधार पर भी उन्होंने वोट मांगने की कोशिश की तो भी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना जाता है। इवन चुनाव के दौरान भी, जब चुनाव हो रहे होते हैं और जो बूथ अलग अलग बने होते हैं उन बूथ पर अगर कोई कैंडिडेट अपना चुनाव चिन्ह लगा के जाते हैं तो उसे भी कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के रूप में लिया जाता है और चुनाव आयोग इसे रोकने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोड ऑफ कंडक्ट एक विशिष्ट प्रणाली है, एक स्पेसिफिक सिस्टम है जिसमें किसी भी विभाग या किसी भी मंत्रालय या किसी भी संस्था या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी हैं छोटे से लेकर बड़े,
निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के कर्मचारियों और अधिकारियों को के लिए एक दिशा निर्देश बन जाता है कि आपको कार्यालय में किस ढंग से काम करना है, आपको जो जो कस्टमर, जो लाभार्थी आ रहे हैं, जो हितग्राही आ रहे हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, किस तरह से व्यवहार करना है, उनसे कैसे बातचीत करनी है, अपने कर्मचारियों के बीच कैसे बातचीत करनी है, आपको अगर छुट्टी लेनी है, लीव पे जाना है, तो आपको उसके लिए उस पहले से क्या एप्लीकेशन देना होगा, आवेदन देना होगा, नहीं देना होगा, किस तरह का आवेदन होना चाहिए, किस तरह की छुट्टी आप किस परिस्थिति में ले सकते हैं, यह सब कोड ऑफ कंडक्ट में उल्लेखित होता है। तो जब एक लोक सेवक, जब लोक सेवा में आप एंटर करेंगे, जब लोक सेवा में आप जाएंगे, तो आपको पहले दिन से ही इस इन कोड ऑफ कंडक्ट को समझ लेना जरूरी होता है और आपकी सेवा शर्तों में यह शामिल होता है। आपकी जो सर्विस कंडीशन होगी उसमें लिखा होगा कि इस कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक आपको काम करना है। कैसे काम करना है, जिस कार्यालय में आपकी आपकी पदस्थापना की गई है उसमें आपको कैसे काम करना है, अपने कलीग के साथ कैसे व्यवहार करना है, आपको कितने बजे कार्यालय आना है, कितने बजे आपको कार्यालय से जाना है, आपको छुट्टी किस तरह से मिलेगी, कौन कौन सी छुट्टी मिलेगी, यह सब कोड ऑफ कंडक्ट के माध्यम से आपको बता दिया जाता है। और आप जब उस हिसाब से काम करते हैं, जब आप उस तरीके से काम करते हैं, तो इसका लाभ अल्टीमेटली प्रशासन को मिलता है, इसका लाभ प्रशासन की गुणवत्ता को मिलता है, कार्य कुशलता बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है, समय पर नीति और योजनाओं का क्रियान्वयन बढ़ जाता है, और कुल मिलाकर के एक अच्छे प्रशासन का की आधारशिला के रूप में ये कोड ऑफ कंडक्ट बन जाता है। तो यहां पर हमने हर तरीके से ये बताने का प्रयास किया कि कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। कोड ऑफ एथिक्स एक विस्तृत अवधारणा है, कोड ऑफ कंडक्ट उस अवधारणा को लेकर उसे पर्टिकुलर यानी विशिष्टता प्रदान करता है, उसे छोटी छोटी यानी बारीकियों में जाकर छोटी छोटी चीजों को समझकर उसे लोक सेवकों पर उसे क्रियान्वित करने का प्रयास करता है और उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स ये दोनों ही लोक सेवा के लिए आवश्यक हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, मन में ये विचार आता है कि आखिर इन दोनों में कुछ अंतर भी होगा। तो थोड़ा तो हमने बता दिया है आपको कि कोड ऑफ एथिक्स जो है ये व्यापक है, ये विस्तृत है, ये सामान्य है, और कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये विशिष्ट है, पर्टिकुलर है, और इसका क्षेत्र बारीक है यानी माइक्रो है, इसका क्षेत्र बारीक है, ये सीधे गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जबकि जो कोड ऑफ एथिक्स है वो विचारधाराओं और निर्णयों और नीतियों को नियंत्रित करता है। अगले टॉपिक में हम आपको कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स के बीच एक अंतर भी प्रस्तुत करके बताएंगे, तो ये दोनों टॉपिक आपका और स्पष्ट हो जाएगा।